ଏଇଟା ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା, ମୋ ଛାଡ଼ିଆ ଦେଖିକି ଉଡ଼ାଅ। तो अभी हमें सठीपुर पे, अभी पानीपुरी, हाँ सठीपुर का क्रॉस करके पानीपुरी पहुंच चुके हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर हम खाने के लिए रुके हैं। तो आज हम विनय भाई और मैं जा रहे हैं पारादीप को, ठीक है। तो मैं सुबह टाइम नहीं मिला मुझे उनको बोलने के लिए, तो अभी हम टिफिन कर रहे हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं थे। और तो अभी हम फिर जाके चंडी खोल से लेफ्ट लेंगे, हम जाएंगे केंद्रापड़ा तक, वहाँ से फिर पारादीप तक जाए निकलेंगे, ठीक है। तो खाने के बाद फिर से बात करते हैं। नहीं नहीं तो हम अभी टिफिन ख़त्म करने के बाद पानीकोली से निकल रहे हैं। शर्मा होटल था, बहुत ही अच्छा टिफिन था। तो यहाँ से अब तो हम 37.6 किलोमीटर कवर कर चुके हैं भद्रक से। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा चंडीखोल, जो कि हमको और 20 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा, क्योंकि भद्रक से चंडीखोल 68 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम पारादीप जाने वाले हैं, चंडीखोल से पारादीप 83 किलोमीटर से, मतलब मिला के भद्रक से पारादीप 184 के आसपास है। तो हम बहुत ही लेट चल रहे हैं, क्योंकि हम प्लान किए थे 6:30 बजे निकलने के लिए, लेकिन सुबह सुबह बहुत ही कोहरा था, ठंड था, तो हम इसलिए 1 घंटा डिले कर दिए थे, ठीक है। हाँ फिर चंडीखोल पे मिलते हैं। ये जो ट्रेन लाइन ओवर ब्रिज है वहाँ पर, ये पारादीप को गए हैं। बहुत दिन से ये जो लाइन का काम चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया, हम भी वही जा रहे हैं। तो हम फाइनली चंडीखोल पहुंच चुके हैं, मतलब आधा रास्ता कवर हो चुका है। तो यहाँ से और 84 किलोमीटर है पारादीप। यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे केंद्रापड़ा 34 पारादीप 77 किलोमीटर है यहाँ से। मुझे लग रहा था 84, क्योंकि मैं गूगल पर सर्च किया था, लेकिन एक्चुअली 77 किलोमीटर है चंडीखोल से। ये NH 53, तो हम जो भद्रक से पहले आए थे वो था NH 16। ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चौड़ा है, वो चढ़े देखेगी उड़ाओ। लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम है कि रास्ते के बीच बीच में इतना बड़े बड़े पैचेस है, मतलब सोच भी नहीं सकते। कोई अगर स्पीड आता होगा, अगर नहीं दिखा वो सब, तो गया फिर काम से। बहुत बड़े बड़े गड्ढा है NH के बीच पे। तो आप जब आ रहे हैं तो अगर फास्ट चला रहे हैं तो काफ़ी सावधानी से चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है, एक दो जगह नहीं, बहुत जगह है। हम चंडीखोल से लगभग 50 किलोमीटर आ चुके हैं, और रास्ते में बहुत जगह ऐसा मिला, मतलब जहाँ पर अचानक से ऐसे ही एक बहुत बड़ा गड्ढा रास्ते के बीच में आ गया,
ये है महानदी, वो तभी हो गया 131.9 और टाइम हो रहा है 9:38। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे, काफ़ी देर से राइड हो रहा है। अब बिने भाई पीछे बैठ के मज़ा ले रहे हैं। हाँ महानदी के पास वहाँ पे जो सामने जो पुल दिखा है वो रेलवे ब्रिज है। यहाँ पे बस तीन ही ब्रिज है, लेकिन कटक तक आप जाओगे तो 6-7 ब्रिज मिलेगा महानदी के ऊपर, जो कि उड़ीसा के एक नदी के ऊपर सबसे ज़्यादा ब्रिज है वहाँ पे। तो हम जो पारादीप टाउन है वहाँ पे एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे पोर्ट पे एरिया है, इसलिए काफ़ी ट्रक्स आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पर पारादीप पोर्ट ट्रस्ट धूल मिट्टी के साथ आपका वेलकम कर रहा है। ये रहा उसका गेट जो कि बस ऊपर को दिखता है। लग गया तो है क्या रास्ते के 20 मिनट है सर, गाड़ी रखें लेकिन भाई गाड़ी रास्ते के ऊपर रखे वो जूस की बात मेरे भाई को इतना जूस पसंद है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 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 बीस पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, ये भी एक पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का और एक गेट है। अच्छा यहाँ पे नीचे पानी मारा गया है ताकि जो झूल है वो ना उड़े, लेकिन वो इतना गंदा हो गया है कि स्मेल भी आ रहा है। वे टू गेस्ट हाउस, तो ये है जवाहर गेस्ट हाउस को रास्ता। तो यहाँ पे एक नेहरू मीनार है और नेहरू बंगलो है सर, नेहरू बंगलो है। तो बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है, तो हम वहाँ पे जाएंगे पहले। में पूरा मतलब पारादीप पोर्ट एरिया को कवर किया है ताकि सामान कहीं पर भी शिप से उतरे तो कहीं पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इस तरफ मतलब राइट साइड पे जो ट्रक का लोडिंग एरिया है, फिशिंग हार्बर है ये पारादीप का मच्छरधरा केंद्र, तो सामने आप देख सकते हैं। हम पहले वहाँ नेहरू बंगलो से आते हैं फिर यहाँ पर जाएंगे। नेहरू बंगला जो नेहरू बंगला एयरपोर्ट सीधा जो पूरा सीधा जो नेहरू, एक बहुत ही अच्छा जगह पिकनिक के लिए। यहाँ पे जितना भी सामान चाहिए होता है वो सब मिल जाता है भाड़े पे यहाँ पे, तो एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है ये। फाइनली हम आके नेहरू बंगलो जो सी बीच है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 11:15, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं। धूप काफ़ी है लेकिन समंदर है तो ठंडी हवा चलता है, अच्छा लग रहा है।
विनय भैया आइसक्रीम और पानी बोतल लेके आ गए। हमारा पानी खत्म हो गया था यहाँ पे, जितना धूल हम खाए हैं तो डबल पानी आज पीना पड़ेगा। अमूल्ला आओ, क्वालिटी आइसक्रीम। तो अभी मैं वो जो सी बीच है वहां पे पहुंच चुका हूँ। ये जो पीछे दिख रहा है ना, वो है बेफ बंगल, मतलब बंगब सागर। और जो इधर दिख रहे हैं आप, ये है, ये सी बीच नहीं है, ये महानदी का बीच है। मतलब इस जगह पे ये जो सी है और इधर जो रिवर है, वो दोनों क्या है, मिले हैं। ठीक है, तो ये एक बोल सकते हैं मीटिंग पॉइंट है रिवर और सी का। तो इधर जो बंगलो है, इधर यहाँ पे पूरा बीच जितना दूर है वहाँ पे पत्थर डाला गया है। तो इवनिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोग आते हैं न्यू ईयर के टाइम, या जो रहता है नवंबर या दिसंबर के महीने में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी खूबसूरत है। तो बहुत सारे बोट्स या जो ट्रॉलर रहते हैं मछली पकड़ने वाले, वो यहाँ पे घूम रहे हैं। हम जाएंगे, जब आने के टाइम में आपको बोला था यहाँ वहाँ पे जो मछली पकड़ने वाला पोर्ट था, हम उसके अंदर जाएंगे। वहाँ पे मतलब हजारों के तादाद में जो ट्रलर स्टैंड है वहाँ पे, वो सब निकलते रहते हैं वहाँ से। तो अभी क्या है ना, पानी थोड़ा अंदर चला गया है, जैसे ही शाम होना शुरू होगा थोड़ा पानी धीरे धीरे किनारे पर आना शुरू करेगा, जो लहर आता है तो यहाँ तक, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तो वहाँ तक पानी आ जाता है, इतना ज़्यादा पानी आता है यहाँ पे। तो उस टाइम ये जगह मतलब इतना अच्छा लगता है, जो मुंबई में जैसा होता है ना वो जूहू का बीच, वैसे ही लगता है ये जगह भी। तो ये है हमारा उड़ीसा का जूहू बीच, तो देख सकते हैं वहां पे कितने बड़े बड़े लहर आ रहे हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। तो पीछे नदी है, लोग वहां पे नहाते हैं, तो लोग एक ही साथ यहाँ पे नदी और समंदर पे नहा सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा चीज है। वाओ, तो मैं आके जो पॉइंट है पूरा नीचे आके पहुंच चुका हूं। हम देखेंगे जाके जो समंदर और नदी का जो पानी है कैसे वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं पीछे को कर रहा हूं कैमरा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा कि यहां पे जो पानी आके, मतलब नदी का पानी है, ये नदी है, ठीक है, महानदी है ये। तो इसका जो पानी है यहाँ पे आके देख रहे हैं, आगे नहीं जा रहा है, मतलब पीछे हो रहा है, क्योंकि इस जो लाइन पे देख रहे हैं यहाँ पे जो समंदर का पानी है, इधर से उसको फोर्स कर रहा है। मतलब ये जो लाइन है, ऐसे ऐसे करके एक लाइन है, तो वहाँ पे समंदर और नदी का जो पानी है वो मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पानी नीचे को बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है। लेकिन इस तरफ समंदर है तो पानी किनारे पे आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे पानी किनारे पे आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा जगह है ये। अभी हो रहा है 11:30 हो रहा है शायद, तो
धूप है लेकिन जैसे कि बोला समंदर है, इतना तो गर्मी नहीं लगेगा, ठंडा लग रहा है। यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं है, धूप के कारण नहीं है। जैसे ही शाम होगा लोग आना शुरू कर देंगे यहाँ पे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना लंबा बीच है और पूरा पत्थर से इसको बनाया गया है। तो हम अभी जाएंगे जो ट्रॉलर मतलब जो मछली पकड़ने वाला पोर्ट है वहाँ पे जाएंगे। मेन पोर्ट तो दिख नहीं रहा होगा, पीछे है वहाँ पे, पीछे दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ से, लेकिन वहाँ पे अभी अलाउड नहीं है। तो हम जाएंगे मछली पकड़ने वाला पोर्ट को, और मेरे पीछे ऊपर विनय भैया खड़े हैं। तो हम यहाँ से निकलते हैं, अब फिर पोर्ट पे जाके मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, काफी बड़े बड़े पत्थर है। जगह बहुत ही अच्छा लगा, आप अगर चाहे तो आ सकते हैं यहाँ पे। सुना देखने से अवेलेबल अच्छे ने बाइक में बाइक छाड़ जाने गेट है। तो भाई लोग रुकावट के लिए खेद है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो पहला वीडियो था वो लास्ट का था, दूसरा जो वीडियो था वो मिडिल का था, ये जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैं इसको उल्टा दिया हूँ। तो जिन जिन लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा है तो वो क्लियर हो जाए। हम पहले गए थे नेहरू बंगलो को, वहाँ से हम गए थे फिशिंग पोर्ट को, और फिर गए थे वो जो ओड़ासुणी टेम्पल था वहाँ पे, ठीक है। तो हम जब फिशिंग पोर्ट से निकल रहे थे केंद्रापड़ा को, जहाँ पे हम लंच किए थे, तो उस टाइम विनय भैया गाड़ी चला रहे थे। तो उस टाइम रास्ते में कुछ हादसा हुआ था जिसको आप मतलब देखोगे तो पता चलेगा। भैया अभी 500 स्पीड में गाड़ी चला रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर। अभी यहाँ पे एक सीन हो गया, हमारा जो गाड़ी था वो फिसल गया। यहाँ पे शायद देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी का जो ये है वो बेंड हो गया है, लाइट ऊपर हो गया है, ठीक है। तो विनय भैया ड्राइव कर रहे थे, स्लिप हो गया गाड़ी, गाड़ी का ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, फिर वो वहाँ पे गए हैं धोने के लिए। एक बार स्लिप है बोला। सेठी सेठी पड़ो कर को तो स्लिप है बोला। लेकिन बड़ा ग्यारह जागे रहते थे सीधा जा बोले। हाँ तो सीधा भद्रक हो। अब वैसे किसी है ही नहीं, खाली सेठ हैं बैंड है इसलिए। धर एडा धर। हैंडल ठीक सीधा है ना, खाली एटा बंका है एटा। आओ सब ठीक है। अब बस 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 स्टार्ट होने में बस बस बस। डाटा स्लो था बोली किसी। तो अभी हम लौट रहे हैं भद्रक के लिए। तो रास्ते में
अभी जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं तो वहाँ पे हम ऊपर जाएंगे पहाड़ के चोटी पे। वहाँ पे एक मंदिर है तो थोड़ा घूम के चले जाएंगे फिर। तो आज क्या हुआ था, हम लंच करने के बाद जो दोस्त के यहाँ हम कुछ देर के लिए रेस्ट किए थे फिर निकल आए थे। मतलब उनके घर से निकलते हुए हमको अभी 15-20 मिनट हुआ है बस। पका लाइट पका, मैं कैमरा देखा लाइट पका। अभी विनय भाई का आंख में एक पत्थर गिर गया है। पहले हम सोच रहे थे कुछ मतलब चिड़िया होगा, अभी पता चला कि पत्थर है। कहीं भी ऑन थोड़ा है, बाहर जी परिज ना मौसी ए तो विनय भाई को मैं ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद तो मैं अभी मेरे घर को जा रहा हूँ। अभी हो रहा है 8:24, तो हम निकले थे 7:15 को, तो अभी हो रहा है 8:24। लगभग 12-13 घंटा राइड हो गया। 13 घंटे के अंदर हम 2 घंटा रेस्ट लेते हैं।